Good morning everyone. So here we are discussing Lucent GK's biology syllabus, and today's topic of discussion is genetic diseases. This is part 4. So let's begin. These are my credentials. In our previous lecture we discussed sex determination in human being, and then we discussed some genetic disorder like Klinefelter syndrome, Turner syndrome, Down syndrome and Petau syndrome. Now we will start with sickle cell anemia. Sickle cell anemia, in this disorder, erythrocyte destroyed more rapidly than normal, leading to anemia, and these occur due to the change in 11th autosomal chromosome. देखिए इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया, एज इट्स नेम इंडिकेट, सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड विद द ब्लड डिसऑर्डर. ठीक है, ब्लड की एक बीमारी है, ब्लड में खून की, जैसे हम कहते हैं ना, खून की कमी हो गई है, एनीमिया. तो वो किस वजह से होती है, सिकल सेल जो आरबीसी होती है, इरेथ्रोसाइट्स होती है, वो बेसिकली किस फॉर्म में आ जाती है, सिकल फॉर्म में आ जाती है. सिकल को हम कहते हैं हिंदी में हसिया या दराती, एक होता है, एक टूल होता है जिससे आप कुछ कट कर सकते हो. ठीक है, वो कुछ क्रिसेंट मून टाइप शेप होती है उसकी. अगर मैं आपको शो करती हूँ ये, वेट, दिस इज द सिकल सेल्स. देखिए यहाँ आरबीसी नॉर्मली आपको दिख रही है, राउंड है. ठीक है, बट यहाँ पर कुछ सेल्स जो आरबीसी के हैं वो किस तरह से टर्न हो गए हैं. ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, बेसिकली ये होता है आपके 11th जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम होता है ऑटोसोमल जो क्रोमोजोम है 11th नंबर का, उसमें बीटा हीमोग्लोबिन जो जीन होता है, ठीक है, उसके अंदर डिफॉर्मिटी आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें एब्रेशन हो जाती है उस क्रोमोसोम्स के अंदर. उस वजह से क्या होता है, आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो गया, जब शेप चेंज हो गई है किसी सेल्स की, तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा है. ठीक है, किसी ब्लड वेसल्स को दिखाया गया हो, यहाँ पर आरबीसी देखिए नॉर्मली ये प्लेस्ड, ये जा रही है, इजिली स्मूथ फ्लो है यहाँ पर ब्लड का. ठीक है, आरबीसी का. बट यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया, तो ये पाथ कैसे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, बिकॉज ऑफ दिस ब्लड वेसल. ठीक है, ये कैसी, बिकॉज ऑफ दिस आरबीसी, ये हसिया कार जो सिकल सेल्स आरबीसी है, उसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगा, और जो भी ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी में, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी. ठीक है, और ऑक्सीजन की डिमांड नहीं पूरी होती है, ठीक है, या ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं होती, तो हम उसको कहेंगे एनीमिया. ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया हो गया यहाँ पर. ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से आरबीसी टर्न हो गई, राउंड, थोड़ी सी क्रिसेंट मून टाइप शेप हो गई है इनकी, और यहाँ पर आपको नॉर्मल भी दिख रही है. ठीक है, अब है फिनाइल कीटोन यूरिया. इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन 12th ऑटोसोमल क्रोमोसोम. सो बेसिकली फिनाइल कीटो यूरिया क्या है, ये एक इनबॉर्न एरर, जो बॉर्न बेबी होता है उसमें ऑटोमेटिकली इनबॉर्न, इनबॉर्न मतलब बॉर्न से ही प्रॉब्लम आती है मेटाबॉलिज्म की. मेटाबॉलिज्म किसके मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, यहाँ फिनाइल कीटो यूरिया की बात हो रही है. तो एक बेसिकली क्या होता है, 12th नंबर का जो आपका क्रोमोजोम है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, जो फिनाइल एलेनिन क्या होता है, बेसिकली एक अमीनो एसिड होता है, वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता. ठीक है, वैसे तो नॉर्मल हमारे बॉडी में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म इजीली होता है, लेकिन जब ये 12th नंबर के ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के अंदर एब्रेशन आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन और नर्व डैमेज होने लगता है, और ब्रेन और नर्व जब डैमेज होने लगती है तो मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है. तो बेसिकली फिनाइल कीटो यूरिया में आपका एक फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड होता है, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होता है. जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन बिल्डअप होने लग जाता है आपकी बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने लगता है. ठीक है, बहुत ज्यादा में इंक्रीज हो जाता है फिनाइल एलेनिन, और उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम होती है. नाउ थर्ड वन इज हीमोफीलिया. जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑर्डर इज डिसऑर्डर इज लिंक्ड विद सेक्स क्रोमोसोम. जो हीमोफीलिया, देखिए यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया देखा हमने, यहाँ देखा फिनाइल कीटो एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये बोथ में हमने देखा कि दे आर रिलेटेड विद द ऑटोसोमल क्रोमोसोम. ठीक है, जो आपके ऑटोसोम्स है उनसे रिलेटेड है. ठीक है, लेकिन हीमोफीलिया किससे रिलेटेड, आपका सेक्स लिंक क्रोमोसोम है, सेक्स लिंक जो सेक्स में क्रोमोसोम होते हैं उसमें डिसऑर्डर की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ठीक है, दिस डिजीज लीड टू फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. इस डिजीज के होने से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है.
तो यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम में भी एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जब भी चोट लगती है, इंजरी होती है, तो उसके बाद ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, तो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अगर उस जीन में म्यूटेशन आ जाती है जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, उसमें म्यूटेशन जब आती है तो उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द कलर ब्लाइंडनेस। दिस डिसऑर्डर लीड टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। जब ये डिसऑर्डर होता है कलर ब्लाइंडनेस, तो क्या होगा, इस डिसऑर्डर के थ्रू जब भी किसी को होगा तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा रेड एंड ग्रीन कलर में, ठीक है। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज इज सिचुएटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। एक्स क्रोमोसोम जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें म्यूटेशन आने के बाद क्या होगा कि वो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी, और ये इनहेरिटेड जीन है, ठीक है, सबको पता है। वी आर डूइंग हेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जो जेनेटिकली पास्ड होते हैं पेरेंट्स से किड्स में। सो बेसिकली यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर डिस्टिंग्विश नहीं होता है कलर ब्लाइंडनेस में, ठीक है, और ये एक्स लिंक सेक्स में भी एक्स लिंक क्रोमोसोम पर पास होता है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये हमने शायद पहले भी पढ़ा था। क्रोमोसोम जो होते हैं सबके अलग अलग नंबर होते हैं अलग अलग स्पीशीज के अंदर। लाइक अगर पिजन की बात करते हैं तो 80 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डॉग्स में 78 है, हॉर्स में 64 है, चिंपैंजी में 48 है। देखो चिंपैंजी इज मोर रिलेटेड टू द ह्यूमन, हमारा जो पूर्वज है जिसे कहते हैं हम, जो हमारे एंसेस्टर है, हम कैसे हम आए, मंकी से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। तो इसमें देखिए 48 है, 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ह्यूमन में, सॉरी ह्यूमन में 46 होते हैं और चिंपैंजी में 48 है, तो नियरली ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। पोटैटो में 48 है, ह्यूमन में 46 है, रैबिट में 44 है, ठीक है, वीट में 42 है, कैट में 38 है, फ्रॉग में 26, टोमेटो में 24, टी में 14, हाउस फ्लाई में 12, मॉस्किटो में 6, एस्केरिस में 2। तो ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखिए अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बिल्कुल डिजीज से डिफरेंट टॉपिक है, तो वी विल डू इट इन नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे ऑर्गन्स जो ये बताए हुए, होमोलोगस, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।